खरगोन शहर में भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया गया। आयोजित मैराथन दौड़ शहर के स्टेडियम मैदान से सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई, जो शहर के बिस्टान रोड बस स्टैंड सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस स्टेडियम मैदान पर पहुंची और दौड़ का समापन किया गया। दौड़ में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर राजकुमार अत्रे ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था, जिन्होंने अपने जीवन काल में 25 साल जिए हैं। उन्होंने इन 25 साल में अपने समाज में राष्ट्र के प्रति जो दायित्व निभाने थे वह सब निभाए हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार और ब्रिटिश सरकार के जो नुमाइंदे थे या जो कहें कि उनके समर्थक थे, वे बड़े ही अपने आप को डरा हुआ महसूस करने लगे थे। और दूसरा, उन्होंने जो है अपने ही धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, या ये कहें कि सनातन धर्म के प्रति एक अलग जगाया। जो ईसाई मिशनरियां उस समय देश में काम कर रही थी और उन ईसाई मिशनरियों को जिस तरीके से वो प्रलोभन के साथ अपना धर्म परिवर्तन करा रहे थे, उस पर रोक लगाने का काम किया। उन्होंने राजनीतिक रूप में भी एक अलग जगाया और अपने समाज को शिक्षा की ओर मोड़ा और शिक्षित करने के प्रयास किए। इन सब के परिणाम स्वरूप ये रहा कि उनकी 25 साल की अल्पायु में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जो है जेल में जहर देकर के मार दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 25 साल का एक युवा जो और आगे रहता तो ब्रिटिश हुकूमत के लिए वो कितना बड़ा खतरा थे। सन 1875 में आज ही के दिन 15 नवंबर को एक महान विभूति का जन्म हुआ था, जो बिरसा मुंडा के नाम से जानी जाती है। और बिरसा मुंडा ने अपने जीवन काल में 25 वर्ष जिए हैं और इन 25 वर्षों में उन्होंने अपने समाज में राष्ट्र के प्रति जो दायित्व निभाने थे वो सारे दायित्व निभाए और ब्रिटिश हुकूमत और जो जमींदारी प्रथा थी और जो जागीरदार लोग थे उनको भय उत्पन्न हो गया था कि ये अगर उन जनजातीय क्षेत्रों में उनका जनजागरण कर देंगे तो राष्ट्र के प्रति जो है एक बड़ा दायित्व तो निभा पाएंगे और हम जो है शोषण करने से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में जो बिरसा मुंडा जी ने किया था, आज उसी के उपलक्ष्य में 147 वर्ष हो चुके हैं और 147 साल उनकी जन्म जयंती पर एक मैराथन की दौड़ जो है आयोजित की गई है। इस मैराथन दौड़ के लिए मुझे वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था और मैंने अपने विचार बिरसा मुंडा जी के संबंध में रखे हैं। मैं राजकुमार अत्रे एडवोकेट हूं और वकालत का व्यवसाय। ये रेस, ये जो मैराथन है वो यहां से बिस्टान रोड होते हुए कॉलेज से जो है पोस्ट ऑफिस चौराहे से घूम करके और वापस बस स्टैंड से होते हुए इसी क्षेत्र में लौट कर आएगी। और ये एक प्रकार से जन जागरण है कि जनजातीय क्षेत्र में यदि 1875 में आज से 147 साल पहले यदि किसी प्रकार का कोई व्यक्तित्व तो पैदा हुआ है तो आज भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है और इन प्रतिभाओं का जो दर्शन है वो सब तक पहुंचना चाहिए। बस यही उद्देश्य है कि समाज में जनजागरण हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।